एके अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको सैमसंग की स्मार्ट ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि 8 kg की है और डायरेक्ट ड्राइव 8 kg, इसके अंदर जो है वो टब क्लीन कैसे करते हैं बताने जा रहा हूँ। टब क्लीन के लिए मैंने यहाँ टब क्लीन पर पहले इसको ऑन करने के बाद, ये पावर ऑन करने के बाद टब क्लीन के ऊपर किया। टब क्लीन के ऊपर करने के बाद यहाँ जो है वो सबसे पहले वॉश मोड में आया। ये वॉश मोड में इसने करीबन 1 घंटा और 12 मिनट दिखाए थे, तो ये लगभग जो है वो 1 घंटा जो है वो वॉश मोड में रहता है। तो मशीन के अंदर जो है वो सिंपल जो है पानी लेकर के पानी से टब को जहाँ जहाँ पर ये सर्फ की ट्रे में सब जगह से पानी को वॉश करता हुआ लगातार जो है ये बीच बीच में घूमता रहता है जो टब है। और उसके बाद क्या है कि ये रिंस मोड में आ जाता है। रिंस मोड के अंदर साफ पानी से जो उस सर्फ वाले पानी को निकाल करके साफ पानी से उसको वापस धोते हुए चल रहा है। अब इसमें 3 मिनट बाकी हैं और बाकी टाइम इसने जो है वो पहले वॉश किया, ज़्यादा टाइम वॉश में लगा, सारी साबुन उसमें आ गई, अच्छी तरह से धुलाई करी इसने। और उसके बाद इसको अभी ये रिंस मोड में चलते हुए और इसके बाद इसका सारा सर्फ जो है निकाल देगा। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो 1 मिनट रह गया। अब लास्ट वाला जो है लास्ट के अंदर इसमें इसके अंदर ये भी ये स्पिन मोड में आ गया। स्पिन मोड के अंदर जो है वो बिल्कुल इसको सुखाएगा। तो इस टब क्लीन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले वॉश, मैक्सिमम टाइम वॉश मोड में गया, उसके बाद कुछ टाइम इसमें जो है वो रिंस मोड में सारा सर्फ वगैरह निकाल दिया। अब लास्ट के अंदर इसको अच्छी तरह से फास्ट घुमा करके और स्पिनिंग कर रहा है। अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के बाद में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैं पूरा होने तक आपको ये दिखा देता हूँ। तो अभी अंदर जो है ये क्या चल रहा है ये देख सकते हैं, थोड़ा अंदर डार्क है, देख नहीं रहा ज़्यादा क्लियरली, फिर भी आप देख सकते हैं जितना भी पॉसिबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रोसेस एंड हो गया अभी, तो इस टाइप से ये कंप्लीट प्रोसेस एंड हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको टब क्लीन करने का मेथड बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को के बारे में कमेंट क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत